पहनते गारमेंट एंड मेंस वेयर। शादी ब्याह के मौके पर शेरवानी, थ्री पीस, पैंट शर्ट। आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने हजार खुली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आप देख रहे हैं मानव समाचार, आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। जिले के सीमावर्ती इलाकों के गुटखा तस्कर गुजरात राज्य ग्रामीण पुलिस की जाल में। महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू के साथ साथ मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थों की बिक्री, उत्पादन, भंडारण, परिवहन आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में नासिक ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने के मार्गदर्शन एवं सूचना अनुसार ग्रामीण पुलिस सांची जिले में गुटखा परिवहन, विक्रय, वितरण एवं भंडारण करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। तदनुसार स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने पेट तालुका में पिथुदीना और डिंडोरी तालुका में रसे गांव शिवार में सूरत राजमार्ग पर अवैध गुटखा परिवहन करने वाले पिकअप और इनोवा वाहनों पर छापेमारी की और लगभग 14 लाख रुपए का अवैध गुटखा जब्त किया। सदर अपराध में वाहन चालकों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो पता चला कि गुजरात राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र से नासिक जिले में अवैध रूप से गुटखे की तस्करी की जा रही थी। तदनुसार स्थानीय अपराध शाखा टीम द्वारा अपराध की जांच, गुजरात राज्य से गुटखा को अवैध बनाना, किसी भी बिल को अवैध बनाना और GST आपूर्तिकर्ता द्वारा बिना रसीद लिए निम्नलिखित दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। नंबर एक किशोर गणेशाराम माली, उम्र 21 साल। दूसरा है उमेश वाला राम चौधरी, उम्र 33 साल। आरोपी क्रमशः पेट पुलिस स्टेशन, गुना रजिस्टर नंबर 62/2024 भादवी कलम 328, डिंडोरी पुलिस स्टेशन, गुना रजिस्टर नंबर 201/2024 को भारतीय दंड संहिता की धारा 328 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी अवैध रूप से गुटखे की तस्करी कैसे कर रहे थे और नासिक और अन्य स्थानों पर गुटखे की आपूर्ति कर रहे थे और सदर गुटखा कौन खरीदता था। जिले में राज्य के बाहर से आने वाले अवैध गुटखा नेटवर्क को खत्म करने के लिए ग्रामीण पुलिस टीमें त्वरित कार्यवाही कर रही हैं और गुटखा तस्करी की जड़ें खोदने में पुलिस को मदद करेंगी। नासिक ग्रामीण जिले के पुलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर के मार्गदर्शन एवं सूचना के अनुसार स्थानीय प्रशाखा के पुलिस निरीक्षक राजू सुरवे, सहायक पुलिस निरीक्षक गणेश शिंदे, पुलिस निरीक्षक नाना शिरोले, पुलिस अधिकारी किशोर खराटे, प्रवीण सानप, गिरीश बागुल, सुधाकर बागुल, उदय पाठक, शिवाजी थोमरे, विश्वनाथ काकड़, सागर काकड़, मेघराज जाधव, मनोज सानप, प्रदीप बहिरम, हेमंत गिलबिले, विनोद ठीले की टीम ने आवश्यक कार्यवाही की है। मोर अपडेट्स के लिए देखते रहे मानव समाचार, हमेशा सच के साथ।